अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पंजाब की मशहूर डिश काले चने, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप काले चने लिए और इनको नीम गर्म पानी में भिगो दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं। और इसके बाद हमने टमाटर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, उनको काट लिया। और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 1.5 चम्मच नमक जाएगा। और मसालों में लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 लहसुन लिया है पूरा और अदरक का 1 छोटा टुकड़ा लिया है। इसको मैंने चॉप नहीं किया, बस ऐसे ही साबुत छोड़ दिया। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए। और चने आप देख सकते हैं काफ़ी इनकी शेप चेंज हो गई है, काफ़ी फूल गए हैं। अच्छा जी, ऑयल गरम करके उसके बाद हमने प्याज फ्राई करने हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इस स्टेज पे हम लहसुन और अदरक डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये चीज़ें मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो इससे ये चीज़ें खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर हम टमाटर वगैरह डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर और मिर्च डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैं बाद में इसको फिर निकाल लूँगी। जब चने अच्छी तरह भून जाएंगे उसके बाद फिर जितना मुझे चाहिए होगा उतना छोड़ के बाकी निकाल लूँगी। हर कोई एकदम से परफेक्ट नहीं बन जाता, छोटी छोटी मिस्टेक से ही हर कोई सीखता है, तो प्लीज़ इग्नोर किया करें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। फिर हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे, लो फ्लेम कर देनी है बिल्कुल, ताकि मसाला जले नहीं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चने हमने जिस पानी में भिगोए थे वो पानी हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, उसको एक साइड पे निकाल के रख देना है। इसको बाद में हम शोरबे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारा पानी निकाल लें यहाँ से। अब इस स्टेज पे हमने चने डाल देने हैं और इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सूख जाए सारा। हमने तेज़ आंच पे इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। Thank you.
चने अच्छी तरह भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोई पानी नहीं है। अब इसमें इतना पानी डालना है कि ये बिल्कुल डिप हो जाए। मेरे ख्याल में 1.5 कप के करीब पानी डाला है, ये देखें इसमें बिल्कुल डिप हो जाए चने। और कुकर का ढक्कन बंद करके इसको मीडियम आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे और ये 3 मसाले हमने रखे हैं साइड पे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। ये 3 चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लें, फिर इसको बाद में ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है, आप देख सकते हैं इसमें पानी काफ़ी सूख गया है। अब यहाँ पे आप चनों को चेक कर लें हाथ से दबा के सॉफ़्ट हुए हैं या अभी भी सख्त हैं। अगर सख्त हैं तो दोबारा फिर इसको दम पे लगा दें। ये हम चनों की अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। अदरक का जो टुकड़ा मैंने डाला था वो मैंने निकाल दिया इससे, बाकी लहसुन तो भुनाई के दौरान बिल्कुल गायब हो गया है। अच्छे से भुनाई कर रहे हैं हम। अब वो 3 मसाले जो रह गए थे वो हमने इसमें ऐड करने हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम इसको दोबारा भुनाई कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम वो चने का जो पानी हमने बचा के रखा था वो डालेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, शोरबा कम रखना है या ज़्यादा, उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। नमक आप चेक कर लें यहाँ पे, अगर कम है तो ऐड कर दें दोबारा। अब इसको थोड़ा बॉयल होने दें, जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो कुकर का ढक्कन बंद करके लो से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। साथ में हम सैलेड भी तैयार कर रहे हैं, ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। अब इसको बंद कर देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है और हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। और साथ में सैलेड भी तैयार हो गई है। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा शोरबा रखें या कम रखें वो आप पे डिपेंड करता है। जी जनाब, तो हमारी ज़बरदस्त डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।